राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला है। इसे टॉयलेट सीट के ठीक सामने डस्टबिन में छिपा कर रखा गया था। इसमें 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही थी। इसे एक महिला ने पकड़ा। घटना शनिवार की बेंगलुरु के BEL रोड स्थित थर्ड वेव कॉफी आउटलेट की है। कैफे में मौजूद एक शख्स ने सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि फोन को डस्टबिन बैग के अंदर सावधानी से छिपाया गया था, जिसमें केवल कैमरा ही दिखाई दे रहा था। फोन फ्लाइट मोड पर था, जिससे कॉल या मैसेज आने पर किसी तरह की आवाज न आए। मामले में कैफे के एक स्टाफ को अरेस्ट किया गया है। वॉशरूम में फोन मिलने पर महिला ने कैफे के कर्मचारियों को जानकारी दी। पता चला कि फोन वहां काम करने वाले एक स्टाफ का ही है। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सदाशिव नगर पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला की एक दोस्त ने मामले की शिकायत की थी। इसके बाद कॉफी शॉप के एक स्टाफ को गिरफ्तार किया गया। आरोपी करीब 20 साल का है और कर्नाटक के भद्रावती का रहने वाला है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।